हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक सत्य, ज्यूइस बुक तोरा या बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में कई घटनाएं के वर्णन है जिससे पता चलता है कि इजरायली कई बार कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं। यहोवा एंजल मसीहा को भेजकर उन्हें बचाते हैं और आने वाले परम मसीहा के बारे में कुछ इंट्स देते हैं, कहाँ जन्म लेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा उनके साथ, ऐसा बहुत सारा वर्णन है। लेकिन मुख्य उद्देश्य है एक मसीहा आएंगे और इजरायली को एक करेंगे, उनका दुख दर्द सब खत्म कर देंगे, पूरे विश्व में शांति मचा देंगे, बड़ा सा मंदिर का निर्माण करेंगे। जीविस का कहना है कि अगर कोई भी इसमें से एक भी कार्य असफल होता है तो वो हमारे मसीहा नहीं है। अगर हम देखेंगे इसमें से कुछ भी जीसस ने अपने जीवन काल में नहीं किया। जीसस के तरह अन्य कई सारे लोगों ने भी अपने आप को मसीहा घोषित किया और उनको भी जीविस लोगों ने इनकार कर दिया और जीविस के लोग आज तक वो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए दो मुख्य व्यक्ति हैं, एक है पौल और दूसरा है रोम के राजा कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन एक युद्ध में जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो पौल का शब्द को अपने जीवन में उतारते हैं और उसे तलवार के बल से वेस्टर्न वर्ल्ड में फैला देते हैं। कई बार कई परिस्थितियों में घटता गया, बढ़ता गया। अगर आज हम देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी के इतने सारे ब्रांचेस हैं कि अगर हम नाम भी लेने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं ले पाएंगे। जिस तरह भारत में अशोक महाराजा ने बुद्ध धर्म को अपनाया और उसको फैलाया, ठीक उसी तरह कॉन्स्टेंटाइन ने भी जीसस क्राइस्ट यानी कि क्रिश्चियनिटी धर्म को फैलाया। अगर ज्यूइश यहूदी जो लोग जीसस क्राइस्ट को मानना चाहिए, जो लोगों के लिए भगवान अपना मसीहा बेचते हैं, वह खुद अगर जीसस और उनके टीचिंग्स को नहीं मानते हैं तो हम भारतीय कैसे मान सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी भारतीय जो भी भारत देश में जन्म लिया है वो क्रिश्चियनिटी कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भारत माता की जय।